और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.2 में ही 1 और 2 क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में, और इसमें हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। यहां पर बहुत सिंपल है, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था उसी तरह से थोड़ा सा इसमें है। Verify whether the following are zeros of the polynomial, indicate against them। तो इनके आगे जो indicate किया हुआ है ये check करना है कि ये इसका zero है या नहीं, ठीक है, पता करना है कि ये zeros हैं या नहीं। Okay, तो last time हमने basics में आपको बताया था कि zeros जब कहलाता है जब कोई भी polynomial, जैसे कि ये पॉलीनोमियल है, अगर हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू इनमें पुट करें और आंसर आपका जीरो आ जाए, दैट मींस कि वो आपका जीरोस है। ओके, यानी कि वो इसका जीरो, इसको जीरो कर देगा। तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये जीरोस कहलाएगी। याद रखिएगा कि जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और आंसर आपका जीरो आ जाए, दैट मींस कि वो आपका जीरोस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, यहां पर है px is equals to 3x plus 1, ठीक है, मैं इसके आगे ही ले लेता हूं, यानी x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1/3। तो -1/3 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू, अब यहां पर जैसे मैं लिख लेता हूं 1/3, ओके, तो यहां पर 3 हो गया और x की वैल्यू हमारी है -1/3 plus 1। तो इसके आगे और सॉल्व करता हूं, तो ये पहले बॉड मास यूज करेंगे, आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये नहीं करना कि आप इसको पहले ऐड कर दें। बॉड मास का हमेशा ध्यान रखना है आपको कैलकुलेशन करते समय। तो 3 यहां इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो गया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे दैट इज 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर आएगा -1, और ये हो गया +1, और इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस, इंटीजर का रूल याद रखिएगा, इंटीजर के रूल में प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आ गया आपका 0। ओके, तो ये जो 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 3x plus 1 में अगर हम -1/3 पुट करें तो वो पूरा का पूरा पॉलीनोमियल 0 हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस, ठीक है, -1/3 is a zeros of 3x plus 1। ओके, तो ये इसका क्या है, zeros of polynomial 3x plus 1। ओके, इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, px is equals to 5x minus pi। ओके, तो 5, अब यहां पर हमें p की x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 4/5, तो यहां पर हम जब रखेंगे 4/5 तो देखते हैं क्या आता है, pi की वैल्यू हमें दी नहीं है तो pi की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, तो ये as it is रह जाएगा, 5 से 5 कट गया, 4 minus pi। ओके, तो ये क्या हो गया, 0 नहीं दे रहा आपका, ठीक है, तो यहां लिखेंगे no, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 4/5 is not a zeros of polynomial 5x minus pi। ओके, तो इसी तरह से थर्ड पार्ट करेंगे हम, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहां पर देखिए थर्ड है px, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, is equals to x square minus 1। ओके, तो यहां पर p x की वैल्यू हमें पुट करनी है, पहले 1 पुट करनी है, यहां दो बार करना है, याद रखिए कॉमा लगा हुआ है, इसको मतलब x की वैल्यू पहले 1 पुट करिए फिर -1, तो पहले 1 हम पुट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 -1 इट इज 0। ओके, तो ये 0 हो गया, तो यहां लिखेंगे यस,
यस ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ होगा आपका x इज इक्वल टू वन, वन है ठीक है, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, किसका पॉलिनोमियल किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके तो यहां पर ये हो जाता है। इसी तरह से फिर आते हैं फोर्थ पार्ट। ओके तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं हम यहां पर, सॉरी फोर्थ पार्ट से पहले इसका सेकंड पार्ट भी है तो वो हम कर लेते हैं, माइनस वन पुट करके तो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन दैट इज प्लस वन और माइनस वन इट इज जीरो। ओके ये दोनों से ही जीरो आ जा रहा है तो यस सेम ऐसे लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी तरह से फिर फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, तो फोर्थ पार्ट है आपका पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर p की वैल्यू x की वैल्यू कितनी दी है, माइनस वन एंड टू, तो पहले हम माइनस वन पुट करेंगे। ओके तो इसके बाद आंसर आएगा माइनस वन और ये तो जीरो हो गया, और जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मैं पूरा स्टेप एक स्टेप और आगे ले देता हूँ तो ये जीरो हो गया, क्या लिखेंगे यस ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, किसका x प्लस वन एंड x माइनस टू। ओके फिर इसी तरह से दूसरा पार्ट भी इसी का हो जाएगा, इसमें दूसरा है टू, हमें टू रखना है तो यहाँ पर हो गया टू प्लस में वन एंड टू माइनस दिस ठीक है, तो ये हो गया थ्री, टू प्लस वन थ्री हो गया और इसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा एंड जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया यस एक्स इज इक्वल टू टू इज आर जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू दैट्स इट। ओके तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर फिर और देखते हैं। यहाँ पर आते हैं फोर पार्ट हो गए आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिफ्थ, अब फिफ्थ पार्ट में देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पी अब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है जीरो, तो जीरो का होल स्क्वायर दैट इज जीरो, यहां लिखेंगे यस ठीक है यस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके जीरो ऑफ पी एक्स कितना है हमारा एक्स स्क्वायर। ओके जीरो ऑफ पी एक्स दिस, इसी के साथ फिर सिक्स्थ पार्ट भी कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ओके तो पी एक्स की वैल्यू पहले हमें लिखनी है माइनस एम अपॉन में एल, याद रखिएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू है माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम, तो एल से एल डिवाइड हो जाएगा दैट इज माइनस एम प्लस एम इट इज जीरो, सो यस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन में एल इज ए जीरोज ऑफ
px कितना है हमारा lx plus n, ओके। तो यहां तक आ गया आपको। इसके बाद सेवंथ पार्ट कर लेते हैं हम, इसको भी रब कर देता हूं मैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ताकि बाद में भी समझ सकते हैं आप। वैसे तो आपने समझ लिया होगा, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो सेवन पार्ट देखते हैं इसमें। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो पी एक्स की वैल्यू अगर पुट करनी है माइनस वन अंडर रूट थ्री, ओके। तो इज इक्वल टू थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। ये पूरे पे होल स्क्वायर है, तो हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले थ्री रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले आपको। तो ये हो जाएगा वन अपॉन में थ्री माइनस वन, फिर इसके बाद इसको डिवाइड हो जाएगा, तो यानी वन माइनस वन इट इज जीरो। तो यहाँ लिखेंगे यस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज द जीरोस ऑफ polynomial what 3x square minus 1, okay। तो यहाँ पर हो गया आपका क्लियर। इसी का सेकेंड पार्ट भी है 2 अपॉन में, तो p इसमें लिखना है 2 अपॉन में रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री 2 अपॉन में रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम करेंगे 3 4 तो मुझे 4 हो जाता है आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हो गया माइनस 1, 3 से 3 कट हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1 इट इज 3, नो ठीक है। इसके बाद आप लिख ही सकते हैं इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ जीरोस ऑफ पी एक्स, कितना है 3x स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद 7 के बाद 8 लास्ट पार्ट है आपका, ओके। पी एक्स इज इक्वल टू वॉट 2x प्लस 1, ओके। पी वैल्यू क्या डालेंगे हम 1/2। ऐसे ही करना है आपको। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मायने रखती है कि प्रेजेंटेशन आप अच्छे से करें, ताकि आपके मार्क्स कहीं ना कटे। तो 2 एंड 1 बाय 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हो गया 9, ठीक है। 9 x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 2x plus 1, 2x plus 1, ओके। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड और भी आगे इजी होते चले जाएंगे। जब आप ये सीख जाते हैं, तो इसके आगे भी और क्वेश्चंस जो हैं धीरे धीरे वो भी सीखते चले जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।